हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी किचन। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी देसी किचन में। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यम्मी सी रेसिपी लेके आई हूँ, सूजी आलू के पराठे। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हैं, मैंने 6 आलू लिए हैं उबले हुए, जिनको मैंने छील के रख लिया है। 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी मैदा, बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया बारीक कटा हुआ, लहसुन अदरक और हरी मिर्च कुटा हुआ 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। आलू को भी यहाँ पे मैश करेंगे। इसमें ऐड करेंगे सूजी, सूजी में ऐड करेंगे हम मैदा, बेकिंग सोडा, साथ ही में हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, लहसुन अदरक और हरी मिर्च कुटा हुआ जो मैंने आपको बताया था वो भी हम साथ में ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया, प्याज बारीक कटा हुआ। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैंने यहाँ पे दो प्याज लिए, इनको बारीक काट लिया, उसको मैश करेंगे। और अब इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्याज डाला है बहुत सारा और आलू है उबले हुए, तो हमें पानी की डालने की जरूरत नहीं क्योंकि इसी में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा, इसी में हमारा आटा गुन जाएगा। और आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छे से गुन चुका है। अब इसमें आटे में हम ऐड करेंगे घी। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी घी यूज कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, ताकि ये स्मूथ हो जाए, एक अच्छा सा डो बन जाए ये। और अब इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब फिर से इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, हाथ से मल देंगे इसे। अब इसको ढक के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे हम। अब देखिए मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम अपने पराठे बनाएंगे। ये देखिए मैं हाथ में पेड़ा लिया है, उसको मैं ऑयल में डिप करके तो गोल करके फिर उसको बेलूंगी, आप देख सकते हैं। और ज्यादा मैंने इसको बड़ा साइज नहीं रखा है, मैंने इसको मीडियम रखा है। इसी तरह हम काफी बनाएंगे, जितना भी डो है हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए अब इसको भी बेल लेंगे हम। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह, और अब पहले वाले में पलट लेंगे हम। और देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया इस पे, और उसको भी हम इसी तरह बेल लेंगे। उसको थोड़ा हाथों की मदद से गोल करते हुए हम उसको बेल लेंगे। और इसमें हम ऑयल डालेंगे अब। और देखिए एक साइड से मैंने ऑयल लगा लिया है। अब देखिए मैंने जो ऑयल डाला है उसी में इसे सेकूंगी। देखिए इसे धीरे धीरे, अब इसे मीडियम आंच पे हम इसको धीरे धीरे करारा करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ रहा है इस पे। अब इसको पलट लेंगे फिर से, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा कलर आया है, बहुत ही यम्मी दिख रहे हैं अभी से। इसको हम ऐसे क्रिस्पी होने के लिए रख देंगे और अब प्लेट पे निकाल देंगे। अब जो हमने दूसरा पराठा बना के रखा है उसको हम डालेंगे, और देखिए उसको भी मैंने पलट लिया है, उस पर भी हम ऑयल लगाएंगे। आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह एक एक हम बनाते जाएंगे, और इसको मैं अलग अलग शेप में बनाऊंगी। ये देखिए ये सबसे बड़े बड़े शेप हैं, अभी हम इनसे भी छोटे छोटे बनाएंगे आगे। और ये देखिए अच्छे से कलर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है और बहुत ही जल्दी बन रहे, आप देख सकते हैं इनमें ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। अब इसको भी मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। अब दूसरे, और अब देखिए आगे भी मैंने इसी तरह छोटे छोटे बना के रख लिए हैं। और देखिए मैंने इनको बिल्कुल पैनकेक वाला शेप दे दिया है, बिल्कुल उसी साइज के मैंने इनको बनाया है। इन पे मैंने ऑयल लगा लिया था, आपने देख लिया है। अब इनको पलट लेंगे और इनको करारा होने देंगे धीरे धीरे। और देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन इन पे कलर आया है, ये देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। और इनको भी हम पहले वालों की तरह सेक लेंगे। ये देखिए मैंने इन्हें पलट लिया है, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। अब इसी तरह हम इनको दबा के हाथों से, जैसे कि आप देखते हैं हम यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी बना रहे हैं। और इसको बस एक बार हाथ से प्रेस करके मैंने प्लेट पे रख लिया है। अब इनको जो हमारे पैन में उनको हम प्लेट पे निकाल लेंगे। अब पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे
और उस पर छोटे छोटे से टिक्की जैसे मैंने शेप देके अपने पराठों को बना लिया है। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे क्योंकि बहुत ही दिखने में इतने क्यूट लग रहे हैं। ये देखिए, और जो बचा हुआ डो है उसको भी मैं बेल लूंगी ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। उस पर भी ऑयल लगा के उसको भी मैंने बेल लिया है। जब तक मैं बेल रही हूँ, जब तक हमारी ये टिक्की जैसे दिखने वाले छोटे छोटे पराठे भी रेडी हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कलर आ गया है, और देखिए कितनी जल्दी आ गया है। अब इन सब पे हम ऑयल लगा लेंगे और अब इनको सेकने देंगे थोड़ी देर के लिए। और अपने वो दूसरे वाले पराठे को जो हमारा मैंने दिखाया आपको, उसको भी हम बेल लेंगे, वो चकले पे हमने रख रखा था। और ये देखिए काफी अच्छा कलर आ गया है इस पे, मैं आपको दिखा रही हूँ नाइफ से। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है, बहुत ही अच्छे से सिक गया है। अब इसको थोड़ा सा हम प्रेस करके चारों तरफ से सेक लेंगे इसे। ये देखिए बिल्कुल टिक्की जैसा ही लग रहा है अभी। अब ये देखिए मैंने इनको पराठों को पलट लिया है, और ये देखिए बहुत ही अच्छे कलर से क्रिस्पी एकदम बिल्कुल बन के ही रेडी हो चुके हैं। अब इनको भी हम प्लेट पे निकाल लेंगे, और छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल रेडी है और बड़ों के लिए भी रेडी है बिल्कुल। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरे